और ये इसका डैशबोर्ड है इंतहाई नीट एंड क्लीन खूबसूरत का। ये इसका स्टेयरिंग डबल मीटर डैशबोर्ड, लेफ्ट फ्रंट इनर डोर। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हमजा बरार कुरैशी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज आप लोगों के सामने मैं एक बहुत ही ब्रांड न्यू और एंटीक कार लेकर आया हूँ जिसका नाम है होंडा सिविक। ये फैब्रिक में है और ये गाड़ी बहुत ही एंटीक है। 61,000 किलोमीटर ओनली ड्रिवन है और 2014 मॉडल है और वन डिजिट कार है। इस कार का जो नंबर है वो 4 डिजिट है, यानी कि इसकी नंबर प्लेट पे नंबर 4 लिखा हुआ है। और ये गाड़ी फर्स्ट ओनर है और नहायत ही ब्रांड न्यू कार है। अभी मैं आपको इस कार का सारा रिव्यू करवाऊंगा, इंटीरियर एक्सटीरियर हर तरफ से आपको कार दिखाऊंगा। आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, वाइट कलर की कार है। तो इसके बारे में अगेन बताता चलूँ, 61,000 किलोमीटर्स ड्रिवन है, 2014 मॉडल है, वन डिजिट कार है जिसका नंबर है 4 और बहुत ही खूबसूरत फैब्रिक में ये कार है। तो चलें जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना लाजमी करना है। और नीचे यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम आ रहा है, इंस्टाग्राम पे जाएं, वहाँ पे भी मुझे फॉलो करें, वहाँ पे भी अपडेट्स आती हैं। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी है और आपको इन फ्यूचर कौन सी गाड़ियों के ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यूज़ पसंद है। तो चलें जी रिव्यू स्टार्ट करते हैं और एंड में इस गाड़ी की प्राइस भी मेंशन मैं करूंगा। आप लाजमी सारी वीडियो एंड तक देखिएगा, वीडियो के दरमियान में काफ़ी चीज़ों का मैं बताऊंगा और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलें जी लेट्स बिगिन द वीडियो। हाँ जी, तो जी ये है जी होंडा सिविक 2014 मॉडल, बहुत ही ब्रांड न्यू वन डिजिट कार है। तो चलें जी इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी फ्रंट ग्रिल से स्टार्ट करूँगा। पूरी ही स्क्रैचलेस कार है, ये इसकी फ्रंट ग्रिल आ गई, ये इसका बोनट है, टोटल जेन्युइन कार बिल्कुल। ये इसका जी राइट फ्रंट फेंडर आ गया और ये इसके अलॉय रिम टायर, और इसके टायर बिल्कुल ब्रांड न्यू आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत चले हैं। और ये इसका राइट फ्रंट डोर आ गया और जी ये राइट बैक डोर, राइट बैक फेंडर, राइट बैक अलॉय रिम टायर, टायर इन गुड कंडीशन। और इसी के साथ साथ ये इसकी बैक आ गई, अगेन 4 डिजिट नंबर है गाड़ी का। लेफ्ट बैक फेंडर, लेफ्ट बैक अलॉय रिम टायर, टायर इन गुड कंडीशन, ब्रिजस्टोन पूरी गाड़ी पे, इवन बम्पर पे भी स्क्रैच नहीं है। लेफ्ट बैक डोर, लेफ्ट फ्रंट डोर, लेफ्ट फ्रंट फेंडर, और ये अलॉय रिम टायर, और टायर इन गुड कंडीशन, अगेन ब्रिजस्टोन के टायर। ठीक है जी, तो गाड़ी मैंने आपको एक्सटीरियर से सारी दिखा दी है। अब इसकी जो लास्ट थिंग है एक्सटीरियर की वो है इसका रूफ़, मैं आपको रूफ़ दिखा देता हूँ। ये देखें इसका सन रूफ और ये सब चीज़ें। ठीक है जी, एक्सटीरियर से दिखा दी, अब इंटीरियर पर स्विच करता हूँ। सबसे पहले जी ये इसका राइट फ्रंट इनर डोर आ गया और ये इसका डैशबोर्ड है इंतहाई नीट एंड क्लीन खूबसूरत का। ये इसका स्टीयरिंग डबल मीटर डैशबोर्ड, लेफ्ट फ्रंट इनर डोर, और ये इसकी सीट्स, ये फैब्रिक में डिफरेंस इतना है कि बाकी लेदर होती हैं, ये फैब्रिक है। और ये इसकी लेफ्ट फ्रंट फैब्रिक सीट, ठीक हो गया। और ये सारा इसका कंसोल बॉक्स और ये सब चीज़ें, और ये गियर बॉक्स और ये टीवी नेविगेशन। अब मैं बैक पे आपको स्विच करके लेके जाता हूँ। ये जी इसका राइट बैक इनर डोर और ये इसका जी लेफ्ट बैक इनर डोर, और ये इसकी सीट्स आप देख सकते हैं, इंतहाई कंफर्टेबल सीट्स हैं इसकी, कहीं पे भी कोई स्क्रैच नहीं है। और ये इसकी बैक स्पीकर वाली साइड आपको दिखा देता हूँ, स्पीकर डैशबोर्ड आप कह सकते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। अब जो लास्ट थिंग जो रिमेनिंग है वो इसकी रूफ़ है, रूफ़ आपको अंदर से दिखा देता हूँ। तो जी ये इसका रूफ़ है, ये सनरूफ इसमें इंस्टॉल्ड आता है। तो ये जी इसका सनरूफ ओपन करके दिखा सकता हूँ, ठीक हो गया जी। और जी ये इसमें कार में लैंप इंस्टॉल है।
तो चलें इसकी बैक ट्रंक ओपन करते हैं। इंतहाई ज़बरदस्त क्लोजिंग है इसके डोर्स की। ये देखें, बिल्कुल ब्रांड न्यू कार। ये देखें, जो मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ मेन, जैसे आपको पता लगेगा कि ये गाड़ी कहीं से ख़राब नहीं है, कहीं से कोई इशू नहीं है गाड़ी में। इसका स्पेयर व्हील देखते हैं। तो जी माशाल्लाह से स्पेयर व्हील में बिल्कुल देख सकते हैं आप कि अनटच्ड है ऑलमोस्ट, या सिर्फ वन या टू टाइम्स इसको टेम्परेरी यूज़ किया हुआ है, बाकी बिल्कुल ब्रांड न्यू अंदर से हर चीज़। तो जी अब इसके बोनेट पे स्विच करते हैं। ये देखें जी, इसी तरह ही शॉपर चढ़ा हुआ है, बिल्कुल बहुत ही ब्रांड न्यू कार है। क्रिस्टल क्लियर लुक है। चलें जी बोनेट ओपन करते हैं अब। तो जी ये बोनेट ओपन करके मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ी सी गाड़ी डस्टी है, बट स्टिल क्योंकि ये इन यूज़ है इसलिए आपको थोड़ी डस्टी लग रही है। अभी इसको धुलवाएंगे तो बिल्कुल ब्रांड न्यू हो जाएगी। तो आप इसकी जो मेन मेन चीज़ें हैं वो देख लें, बाकी गाड़ी के अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गारंटी होगी बिल्कुल ब्रांड न्यू और स्क्रैचलेस कार है, टोटल जेन्युइन इंशाल्लाह। बाकी ये थोड़ा सा डस्टी है वो हम कर लेंगे, वो कोई मसला नहीं है। बाकी ये बोनेट आप देख सकते हैं, ठीक है जी। तो हर चीज़ इसकी सील में है, बिल्कुल बेहतरीन है, बिल्कुल हर तरफ से। तो चलें जी अब इसका मैं बोनेट बंद करता हूँ। तो जी इसका मैंने बोनेट बंद कर दिया। इंतहाई खूबसूरत कार है, दिल कर रहा है कि इसकी और लंबी वीडियो बनाऊं, पर क्योंकि टाइम कम होता है इसलिए वीडियो लंबी बना नहीं सकते। तो चलें जी अब आपको मेन चीज़ बताता हूँ। हाँ जी, तो ये थी जी होंडा सिविक 2014 मॉडल, आपको दिखाई मैंने सारी गाड़ी, 4 डिजिट इसका नंबर है। इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई केयर से रखी हुई गाड़ी है। अब इस गाड़ी की मैं प्राइस बताऊंगा, सबसे पहले थोड़ा सा दोबारा से आपको मैं इसको रिवाइज करके बता दूं कि ये 61,000 किलोमीटर चली है, बिल्कुल ब्रांड न्यू कार है, 2014 ओरिजिनल मॉडल है, फैब्रिक सीट्स में है, वाइट कलर है, टोटल स्क्रैचलेस है, ब्रांड न्यू टायर्स हैं, ब्रिजस्टोन के, हर चीज़ बिल्कुल फैबुलस है। तो गाड़ी की डिमांड की तरफ आते हैं। गाड़ी की डिमांड है 25.25 लाख रुपये डिमांड है, इसमें नेगोशिएशन हो जाएगी थोड़ी सी, इतनी ज़्यादा नहीं पर थोड़ी सी। उसकी वजह यह है कि इस तरह की एंटीक गाड़ियां आपको नहीं मिलेंगी, बहुत सी गाड़ियां मिलेंगी पर इतनी कम चली हुई और इतनी साफ़ सुथरी कंडीशन में गाड़ी नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको मेरे पास ही, हमजा अब्रार कुरैशी के पास इंशाल्लाह मिलेंगी और मेरे चैनल पे आपको मिलेंगी। इसी के साथ साथ जी मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें फैमिली, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सी गाड़ी का रिव्यू चाहते हैं। तो नीचे यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम का यूज़र नेम आ रहा है, वहाँ पर जाएं, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा ये गाड़ी पसंद आई होगी। अगेन, अगर ये गाड़ी किसी ने परचेज़ करनी है, नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में मेरा अपना कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पर मैंशन हुआ हुआ है, वहाँ पर जाएँ, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई गाड़ी है सेल करने के लिए तो भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अगेन आपको मैं बता दूँ कि इस गाड़ी की डिमांड 25.25 लाख रुपया है, डिमांड में थोड़ा सा कमी हो जाएगी। अगर आपने परचेज करनी है तो नीचे मेरा नंबर है, वहाँ पे जाके मुझे कांटेक्ट करें और इंशाल्लाह हम इसको डील को मैच्योर करेंगे, ठीक है जी। तो लाइक लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।